अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पंजाबी कढ़ी की रेसिपी बताऊंगी, तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये हैं। देखिए, मैंने ये 250 ग्राम यहाँ पर बेसन लिया है और उसमें ये मसाला जाएगा जिसकी ये लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सारा मसाला इसमें डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, आप एज़ पर रिक्वायर्ड पानी डालेंगे और एक थिक बैटर बना लेंगे। जैसे ही पानी की नीड हो आप वैसा डालिएगा और इसको एक अच्छा सा बैटर आप बना लेंगे। और अभी आपको इसमें नमक नहीं डालना है, ये मेंशन रखिएगा। आपको जब हम ये पकौड़े फ्राई करेंगे तब हम नमक डालेंगे। और इसको अपने हाथों से अच्छे से फेंटिएगा ताकि हमारे हाथों की जो गर्माहट होती है उससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फिटते हैं और हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट उतरती हैं। तो आप देखिए, जैसे मैं फेंट रही हूँ, आप इसको अच्छे से फेंटिएगा ताकि इसमें अंदर तक हवा भर सके और हमारी जो पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। इस तरह से आप फेंट लीजिएगा इसे। देखिए, अब हमें फिट गया है, इसको अब हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। और ये घोल जो हम बनाएंगे उसके लिए हमने ये 3 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन लिया है, उसे मैं आधा चम्मच हल्दी का डालूँगी। आधा चम्मच हल्दी डालने के बाद इसमें आप 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चम्मच यहाँ पर डाला है। और अब ये मैं 1 चम्मच अप्रॉक्स है ये ज़ीरा पाउडर, मैं इसको डाल दूँगी। भुना ज़ीरे का पाउडर है, ये भी आपको डाल देना है सी में। और अब ये 500 ग्राम मैंने यहाँ पे दही लिया था, इसको मैंने अच्छे से बीटर से बीट कर लिया था। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और इसको आपको इसमें बेसन में मिला देना है दही को, और इसमें जो थोड़ा आप जो जिस इसे मिला लीजिएगा और पानी डाल डालकर आप इसको एक अच्छा सा घोल तैयार कर लीजिएगा। अच्छे से फेंटना है ताकि इसके सारे लम्ब्स निकल जाएँ। और अब ये देखिए, मैंने तेल चढ़ाया था यहाँ पे, ये सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ, सरसों के तेल में ही ये बनेगी। और ये मसाला इसमें जाएगा, हींग है, ज़ीरा है, और ये थोड़ी मेथी है, धनिया पाउडर, कुटा धनिया पाउडर है, लिस्ट है आप देख लीजिएगा। सब मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए, तेल गर्म हो चुका था, मैंने डाल दिया इसमें। और अब ये थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता डालूँगी यहाँ पर। कड़ी पत्ते को डालने के बाद अब इसमें चॉप लहसुन मैं डालूँगी, बारीक चॉप कर लिया था मैंने लहसुन। और ये जो हींग है ना, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसको आप मेरी तरह से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब ये अच्छे से लाल होने दीजिए लहसुन, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा जब हम इसमें 1 बारीक कटा प्याज डालेंगे। ये बड़े साइज़ का एक प्याज मैंने ले लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी, अब ये लहसुन को और प्याज को खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है हमें। देखिए, इसी टाइम हम इसमें 3 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी इसी के साथ ही भून लेना है। ये देखिए, हमारी प्याज लाल होती जा रही है, लहसुन भी, और इसमें 1 स्लाइस्ड ऑनियन भी मैं डालूंगी। जब हम खाते हैं कढ़ी तो ये चंक्स आते हैं उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे से भुनने देना है। और अब ये देखिए भुन गया था, तो ये मैं घोल जो बेसन और दही का मैंने तैयार किया था वो मैं सारा इसमें तड़के में मिला दूँगी। कढ़ी बनाने का ये बहुत परफेक्ट तरीका है, आप इसको मेरी तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह देखिएगा आपकी कढ़ी कभी ख़राब नहीं होगी। और आपको नमक अभी नहीं डालना है। कुछ देर पकाने के बाद मैंने यहाँ पे नमक डाला था, ये देखिए नमक डालने के बाद मैंने पका लिया है। और अब ये मैंने पकौड़े का बैटर लिया है, उसमें मैं 1 बारीक प्याज को काट के मिला दूँगी। और नमक मिलाऊँगी मैं, आप अपने अकॉर्डिंग मिलाइएगा जितना आप बेसन लें। और ये थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट के यहाँ पे डाला है।
और ये दो हरी मिर्च मैंने काट के डाली है। अब इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा एक बार फिर से। अब ये देखिए, मैं कसूरी मेथी दिखाना भूल गई थी, मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी भी बैटर में डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। बहुत छोटे हमने यहाँ पे साइज़ के पकौड़े मैंने फ्राई किए हैं, बहुत बड़े बड़े पकौड़े मुझे नहीं पसंद, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप ऐसे बना के देखिएगा, हर बाइट में जब पकौड़ा आता है ना तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको गोल्डन ब्राउन करके आप निकाल लेंगे। बस सारे पकौड़े फ्राई होने के बाद आपको कढ़ी में इसको मिला देना है। देखिए मैंने कढ़ी मिला दिया था, अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने देसी घी लिया है, और ये हींग है, थोड़ी राई है, ज़ीरा है, और करी लीव्स मैंने भी ली थी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये अब मैंने घी में डाल दिया है। घी में डालने के बाद फिर ये मैंने दो दो तीन हरी मिर्च को काट के डाला है बारीक। और इसको लाल होने देंगे आप मिर्चे को। और दो थोड़े से मैंने यहाँ पे करी लीव्स डाली है। ये सारा मसाला अच्छे से पकने के बाद आप गैस को बंद करके इसमें ज़ीरा पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे। देखिए मैंने अभी यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है, क्योंकि ये पाउडर मसाले हैं, तेल में जल जाएंगे घी में, तो हमें गैस बंद करके इसको ऑफ़ करके मैंने गैस को तब ये रेड चिल्ली पाउडर डाला था। और बस अब आपको इसको फटाफट से कढ़ी पे पोर कर देना है, और अब आपकी कढ़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आपको इस कढ़ी में ये सारे तड़के को डाल देना है। देखिए कितनी शानदार कढ़ी तैयार हुई है हमारी। इसी तरह की